अस्सलाम वालेकुम। सीन कुछ इस तरह है कि आज जी अचानक मुझे कज़न्स की कॉल आई कि उनका एक दोस्त है हसन भाई, वो सरगोधा से आए हुए हैं और इसी चक्कर में वो मुझे लेने के लिए आ रहे हैं। तो इट वाज़ अ सरप्राइज़ जब फिर मैं आया उनके साथ गाड़ी में, तो पहली दफ़ा परमिशन के साथ इस वक्त हम आए हुए हैं इस जगह। ये कहलाती है जी गुलजार महल, बहावलपुर में, बहावलपुर सिटी में ये जगह है गुलजार महल। ये नवाब बहावल खां पंजम ने 1903 में इसकी तामीर शुरू करवाई थी, जो कि वो नहीं देख सके। उसी साल ही उनकी डेथ हो गई। सऊदी अरब से वापस आते हुए वो हज के लिए गए थे और वापसी पे मे बी ड्यू टू पॉइजन उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। तो ये महल जो है फिर 1906 में कंप्लीट हुआ। इसे बतौर रेजिडेंशियल पैलेस के तौर पर बनाया गया, रिहायशी तौर पर, रिहाइश के लिए। उसके बाद फिर उनके बेटे नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान पंजम ने इस महल की जो तामीर थी वो कंप्लीट करवाई। ये प्योर एक इस्लामिक और यूरोपियन मॉडल के ऊपर बेस्ड ये महल है। और इसकी आर्चिस देखें, ये रेनेसांस इटालियन तर्ज की इसमें कुछ ये चीज़ें नज़र आती हैं। और उसके बाद इसका जो ऊपर का गुम्बद धुमा ये स्ट्रक्चर है, ये बहावलपुरी तर्ज तामीर और एक इस्लामिक उसको शो करता है। तो अंदर जाते हैं, अंदर देखते हैं इसको। ये इसकी मेन एंट्रेंस के बाद अंदर की जगह है। तो ये यहाँ ऊपर भी जो है रूम्स वगैरह बने हुए हैं। यहाँ पर कुछ सोफ़ा वगैरह और टीवी, यहाँ पर उनकी हिस्ट्री बताई जाती है। और ये फानूस हैं, तो इसको इस हालत में जो है ज़्यादा प्रिजर्व करके रखने का, जो इसके अंदर एक किसी का सबसे ज़्यादा हाथ है तो वो है आर्मी का। तो आर्मी ने ही इसे इस तरह इसकी सच्ची हालत में प्रिजर्व करके रखा हुआ है। और ऑब्वियसली ये हम हैं और ये गुलजार महल है और हम विज़िट करने आए हुए हैं। तो ये नवाब थे, नवाब मोहम्मद बहावल ख़ान। ये इन्होंने ही जो है ना ये तामीर करवाया था ये वाला। और इनकी, हाँ सॉरी, इनकी 1907 में जो है डेथ हुई थी, बहावल ख़ान पंजम। उसके बाद ये दूसरे नवाब हैं, नवाब मोहम्मद सादिक मोहम्मद ख़ान चहारम। इन्हें सुबह सादिक भी कहा जाता था। बहावलपुर का जितना मॉडर्न आर्किटेक्चर है वो उसको बनाने में, बहावल को मॉडर्नाइज करने में बहावलपुर को इन्हीं का हाथ है। ये एक और नवाब हैं जी, इनका नाम बहावल ख़ान चहारम। ये बहावल ख़ान चहारम है। ये और नवाब हैं, इनका नाम है मोहम्मद नवाब अमीर मुबारक ख़ान अब्बासी अव्वल। ये फरमा रवा हैं, पहले नवाब थे बहावलपुर रियासत के, पहले नवाब थे जिन्होंने शिकारपुर से आकर ये रियासत कायम की। बहुत ही खूबसूरत जी ये महल है। इसकी छत देखें, ऊपर के कमरे देखें,
ये यूरोपियन तर्ज का बना हुआ ये उनकी शो करता है कि किस तरह बहावलपुर के नवाबान, उनका टेस्ट क्या था, उनका मेयार क्या था, कितनी उनकी पसंद का जो है एक लेवल था। आप यहाँ पर यहाँ इसकी ख़ूबसूरती से इस महल की जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी मुख्तलिफ पेंटिंग्स जो हैं यहाँ पर लगी हुई, ये किला ड्रावर की पेंटिंग है, किला ड्रावर की मस्जिद की। ये चोलिस्तानी जो है राजस्थानी कल्चरल एक पेंटिंग है। इसके बाद आगे ये एक और पेंटिंग है जिसमें किला ड्रावर जो है वो दिखाया गया, और ये चोलिस्तानी गोपे इन्हें कहा जाता है, और ये बहुत ठंडे होते हैं रिहाइश के लिए। और यहाँ पर एक चिंकारा हिरन का एक प्रिजर्व किया हुआ है, वो प्रिजर्व की हुई एक बॉडी उसकी यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ से कुछ ऑफिसेज हैं, और अब मैं आपको इसकी एक तरफ एक साइड से बाहर लेकर जा रहा हूँ। आप जिस साइड से भी जाएं, बाहर का एक अपना ख़ूबसूरत सा एक तर्ज़ तामीर है, एक लुक है जो सामने आती है। ये इसके आर्चिज, और ये अब हम एक तरफ से साइड से आ गए यहाँ इस तरफ से, और ये महल की एक साइड है। यहाँ कोई शादी वगैरह की पीछे शूटिंग वगैरह भी चल रही है, फ़ोटो शूट चल रहा है। ये ऑब्वियसली सर्वेंट क्वार्टर होंगे ये वाले, उस ज़माने के पीछे जो है फसील नज़र आ रही है जो घूमती हुई। ये बहुत पुराना पीपल का बहुत बड़ा दरख्त, और ये उसकी उसके गुंबद नुमा जो उसका स्ट्रक्चर है, और आप इसकी ख़ूबसूरती को मुलाहिजा करें। ये मुझे इसको देख कर ना एक ड्रामा डाउनटन एबी याद आ रहा है ITV का, तो बिल्कुल डाउनटन एबी जैसे जो एक इटालियन तर्ज के इंग्लिश कंट्री साइड जो महल होते हैं, ये उस तर्ज का जो है ना एक महल था जो ख़ास रेजिडेंस रिहाइश के पर्पज़ के लिए जो है बनाया गया था। तो इसकी ख़ूबसूरती आप मुलाहिजा कर सकते हैं। ये जो सीढ़ियां हैं जो ऊपर जा रही हैं, ये आगे की ये जगह अभी भी रेजिडेंस के लिए जो है इस्तेमाल होती है। आगे ऊपर जाना अलाउ नहीं है, आगे जो यहाँ के रेजिडेंस जिन्होंने रखी हुई है, कोई गेस्ट आता है तो उनके लिए जो है ये अभी भी इस्तेमाल होता है। लेकिन असल चीज़ जो है इसको आप ये देखें कि उसकी अच्छी उसकी ओरिजिनल हालत में जो प्रिजर्व करके रखा हुआ है, इसका सारा क्रेडिट जो है वो आर्मी को जाता है। फिर इसकी ख़ूबसूरती आप देखें, बिल्कुल आपको जूं की तू नज़र आएगी कि जब भी महल में कोई दरबार लगता या कुछ होता तो इन दरवाज़ों से इन साइड से बंदा यहाँ पर आकर बाहर ग्रीनरी और ये स्मॉल सी टेरेस यहाँ पर बैठकर सामने ग्रासी लॉन्स, ठीक है, वहाँ पर इन चीज़ों का वो नज़ारा कर सकता था। अभी शाम ढलने वाली है, सामने फसील है, और इससे पार जो है उस तरफ दरबार महल है। कई लोग जो है उनसे ये गलती हो जाती है कि भावलपुर में वन यूनिट चौक से आगे जो महल आता है उसको समझते हैं ये दरबार महल है, हालांकि ये गुलजार महल है जो मेन गेट बना हुआ नज़र आता है। तो इसके ये विंडोज़ और ये चीज़ें, इनको आप मुलाहिजा करें और इसकी ख़ूबसूरती को देखें। वो सामने गेट है, यहाँ से आगे मेन रोड है। ये मेरे कज़न्स हैं सामने जो ठहरे हुए हैं, और ये व्यू देखें आप, और बहुत ही ख़ूबसूरत महल है ये, वाकई गुलजार
गार्डन बाग, तो एक बाग के पास का महल का जो कंसेप्ट था रेजिडेंस के लिए, वो इस महल में आपको बिल्कुल ही बेहतरीन अंदाज में बना हुआ और शो किया हुआ नज़र आता है। तो ये भावलपुर स्टेट के एहसानात हैं, बहुत पाकिस्तान पर नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान पंजम ने, जो यहाँ के मुलाज़मीन की पहली तनख्वाह दी, सोना रख के करेंसी छापने की पाकिस्तान को ज़मानत दी, कायद आज़म को गाड़ी दी, अपना अपनी रियासत शामिल की, तो उनको मोहसिन पाकिस्तान का खिताब दिया गया। लेकिन एक हुकूमत से दरख्वास्त है कि उनका नाम टेक्स्ट बुक में जो है शामिल किया जाए। ये है जी गुलजार महल।